हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर। यूनिजंक्शन ट्रांजिस्टर हमारा, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, कुछ इस टाइप का होता है। तीन टर्मिनल का डिवाइस होता है, इमीटर B2 एंड B1। इमीटर पे जो हमारा कनेक्शन होता है, एक ही पी टाइप हमारा मटेरियल होता है, बेसिकली एल्यूमिनियम की रॉड होती है ये, ठीक है। और वो हमारी एन टाइप मटेरियल से कनेक्टेड होती है। फिर एन टाइप के बाद हमारे दो ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, और जिससे हमारे टर्मिनल B1 और B2 कनेक्टेड होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का हमारा एक स्ट्रक्चर होता है UJT का। उसके बाद सिंबल देखेंगे तो सिंबल हमारा इस तरीके से होता है, ये एमिटर B2 एंड B1, ये हमारा इसका सिंबल होता है। इक्विवेलेंट सर्किट पे अगर हम जाएं तो देखेंगे एमिटर टर्मिनल, क्योंकि ये हमारा पीएन जंक्शन है, यहां पे पीएन जंक्शन क्रिएट हो रहा है, तो ये पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है डी। इमिटर टर्मिनल, इमिटर टर्मिनल में जो वोल्टेज होती है उसे हम VE से डिनोट करते हैं, और डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसे बोलते हैं VD। ये कनेक्टेड होते हैं हमारे दो रेजिस्टेंस से, RB2 और RB1। RB2 RB1 ये जो ओमिक रेजिस्टेंस हैं, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे दिखाए हैं, और जो दो टर्मिनल हमारे B2 और B1 है वो इस तरीके से इसके इक्विवेलेंट सर्किट में कनेक्टेड है। अब इसकी वर्किंग कैसे ये वर्क करता है, तो वर्किंग देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें इसे कनेक्ट करना है B2 को प्लस VBB वोल्टेज से, और B1 टर्मिनल को हमें क्या करना है, ग्राउंड कर देना। हम याद रखेंगे कि जो हमारा RB1 है, ये RB1 हमारा एक रेजिस्टेंस इस तरीके का है जिसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। इट मीन्स कि जब भी इसके अक्रॉस टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा, और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह हमारा ये ओमिक कॉन्टैक्ट काम करता है। तो हमने इस तरीके से इसको कनेक्ट किया हमें यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे देखना है सबसे पहले इसका इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो क्या है। इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो हम कब देखते हैं, तो हमारे इमिटर करंट की वैल्यू जीरो होती है। इमिटर करंट की वैल्यू जब जीरो होगी तो इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो ईटा हमारा होगा RB1 ओवर RB1 प्लस RB2, ये हमारा होगा इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। अब यहाँ पे अगर हम एक आउटपुट ले लें RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ले लें, इसे हम बोलेंगे V आउटपुट, आउटपुट वोल्टेज। तो अगर मैं RB1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालूं VRB1, तो VRB1 होगा मेरा VBB इंटू RB1 ओवर RB1 प्लस RB2। बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, मैंने यहां पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया है। अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो वोल्टेज जो अप्लाई की है वो VBB मल्टीप्लाई बाय दिस रेजिस्टेंस ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो ये मैंने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया है, VBB.RB1 ओवर RB1 प्लस RB2। आपने पहले देखा हमने कि RB1 ओवर RB1 प्लस RB2 इज इक्वल टू क्या था हमारा, इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो था ईटा। तो क्या हो जाएगा, VRB1 इज इक्वल टू VBB इंटू ईटा। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल के आ गया है कि हमारा जो RB1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है या फिर जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा, VBB इंटू इंट्रेंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो के बराबर होगा। अब अगर हमारी VE वोल्टेज लेस होगी, कम होगी VD प्लस ईटा VBB से, यानी कि VD ये लूप इस तरीके से होगा, VD ये वोल्टेज है प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस यहां पे वोल्टेज आएगी VBB वाली वोल्टेज, ठीक है। तो VD प्लस VBB से अगर हमारे VE की वैल्यू कम होगी तो हमारा UJT क्या होगा, वो टर्न ऑफ रहेगा, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा डायोड ऑन नहीं हुआ। अब VE की वैल्यू जब ग्रेटर देन VD प्लस VBB होगी, VD प्लस ईटा VBB होगी, तो हमारा UJT क्या होगा, वो ऑन हो जाएगा। UJT ऑन होने से क्या होगा कि एक करंट इस लूप में फ्लो होगा, और जैसे जैसे हम VE की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ये जो करंट IE होगा ये भी हमारा इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, इसके अक्रॉस हमारी वोल्टेज इंक्रीज होगी, हमारा करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा, हीटिंग इफेक्ट होने से इसका जो रेजिस्टेंस है RB1 ये क्या होगा, धीरे धीरे हमारा कम होता चला जाएगा। RB1 की वैल्यू जब कम होगी तो क्या होगा, RB1 कम होने से क्या होगा, हमारा VRB1 कम होगा, VRB1 कम होने से क्या होगा, हमारा आउटपुट वोल्टेज कम होता चला जाएगा। अब अगर मैं इसे ग्राफिकली चेक करूं तो कैसे, अगर मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, तो ये हमारा एक टाइम आएगा हम VE को इंक्रीज करते जाएंगे, और एक टाइम आएगा कि जब VE की वैल्यू क्या होगी,
अभी इस वाले टाइम में ये वाला जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में क्या होगा, VE की वैल्यू हमारी लेस देन VD प्लस ईटा VBB होगी, लेकिन हम जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो एक पीक वैल्यू आएगी जहां पे हमारा UJT क्या होगा, ऑन द वर्ज ऑफ टर्न ऑन होगा। जब ये टर्न ऑन होने वाला होगा ठीक उस समय जो पीक वैल्यू आएगी वहां पे क्या होगा, हमारा VEE बराबर हो जाएगा किसके, VD प्लस ईटा VBB के। और जैसे ही ये थोड़ा सा ज्यादा होगा ये हमारा UJT हमारा क्या हो जाएगा, उस समय हमारा ऑन हो जाएगा, UJT ऑन होगा, ऑन होता रहेगा। जैसे ही UJT हमारा ऑन होगा अब क्या होगा, इसके अक्रॉस आर करंट इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होने से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज से इसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होने से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होगी, तो हमारा क्या होगा वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे ड्रॉप होगा लेकिन करंट हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा आया था जहां पे हमारा UJT ऑन द वर्ज टू ऑन था उसका हमने बोला पीक वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये वाला पॉइंट आएगा जहां पे हमारा लास्ट ड्रॉप पॉइंट होगा इसे हम बोलेंगे वैल्यू वोल्टेज, वैल्यू वोल्टेज। इसके बाद फिर से अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, VEE हमारा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो ये दोबारा से हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस पोर्शन में जहां पे ये हमारा करंट का कंडक्शन नहीं हो पा रहा था, हमारा थायरिस्ट सॉरी हमारा UJT ऑफ था, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। यहां पे हमारा UJT ऑन है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। कट ऑफ रीजन में क्या होता है, VEE लेस देन VDD प्लस ईटा VBB होता, और जब होता है इसे एक्टिव रीजन बोलते हैं, एक्टिव रीजन में VEE ग्रेटर देन VD प्लस ईटा VBB होता है। और ये वाला जो रीजन है जब ये बहुत ज्यादा हो जाती है VEE की वैल्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन VD प्लस ईटा VBB, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, उसके अक्रॉस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट। तो ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स था ये VEE वर्सेस IE था जो हमने UJT के लिए देखा। तो इस प्रकार से हमारा UJT वर्क करेगा। थैंक यू।